मिर्गी से परेशान है, एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं, अचानक मुंह से जाग निकलते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मन में हमेशा यही डर बना रहता है कि कहीं इसके कारण कोई अनहोनी नहीं हो जाए। तो आज मैं आपको एपिलेप्सी का, मिर्गी का एक ऐसा अचूक घरेलू नुस्खा बता रहा हूं जो आपकी एपिलेप्सी की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देगा और आप अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले सकेंगे। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये नुस्खा है, इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों को फायदा हो चुका है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इसीलिए बता रहा हूं। मिर्गी के दौरे की तेजी को ये तुरंत खत्म कर देता है। बार बार दौरे पड़ने को ये इलाज बहुत तेजी से कम कर देता है। इससे मिर्गी की ये बीमारी आपके काबू में आ जाती है, आपके पूरे कंट्रोल में आ जाती है, और कंट्रोल में आने के बाद फिर ये इलाज मिर्गी की बीमारी को पूरा खत्म कर देता है। और इसे बनाना और यूज करना बहुत ही आसान है। वीडियो में इसे बनाने का पूरा तरीका और यूज करने का पूरा तरीका मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हम लेंगे एक लाल प्याज और इसके ऊपर का छिलका हम छीलकर हटा देंगे। लाल प्याज ही इस नुस्खे में सबसे ज्यादा कारगर है, इसलिए आप भी लाल प्याज ही काम में लें। अगर लाल प्याज बिल्कुल ही नहीं मिल रहा हो तो ऐसे में आप सफेद प्याज काम में ले सकते हैं, लेकिन इसका असर कम होगा। प्याज हमने छील लिया है तो अब बारी है इस प्याज को काटने की। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस प्याज को मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, नुस्खा बनाने और यूज करने की कोई भी स्टेप छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। प्याज कट गया है तो अब हम प्याज के इन टुकड़ों को डाल लेंगे मिक्सी में, और इनको डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। बस अब हम इसे पीस लेंगे। लीजिए, हमारा प्याज पीस चुका है तो अब हम इसको चलनी में से छान लेंगे ताकि प्याज का रस निकल आएगा। दोस्तों, ये जो प्याज का रस हमने निकाला है, इसकी 30 मिलीलीटर मात्रा हमें अपने नुस्खा बनाने में काम में लेनी है। नापने के लिए हमारी खाना खाने वाली ये 6 चम्मच भरकर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि एक चम्मच 5 मिलीलीटर की होती है, तो इस हिसाब से ये 6 चम्मच भरने से 30 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्याज का रस। अब हम प्याज के इस रस में इतनी ही मात्रा में, यानी 30 मिलीलीटर ही पानी भी डाल लेंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। नुस्खे के यूज से जुड़ी सारी बातें अब मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को बीच में बंद नहीं करें, पूरा वीडियो देखें और सब कुछ ध्यान से सुनिए ताकि आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो सके। 30 मिलीलीटर प्याज का रस और 30 मिलीलीटर पानी मिलाकर ये जो नुस्खा हमने तैयार किया है, इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पूरा पी लेना है। इसे पीने के आधे घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुबह नहीं पी सकते, तो ऐसे में आप दोपहर का खाना खाने के 3 घंटे बाद इसे पी सकते हैं, क्योंकि कुछ भी खाने के 3 घंटे बाद हमारा पेट काफी हद तक खाली हो चुका होता है। इस नुस्खे को लेते ही फायदा होना चालू हो जाता है। दौरा पड़ने की तेजी और जो बार बार दौरा पड़ता है, ये दोनों बातें तुरंत काबू में आ जाती हैं। मिर्गी को पूरा ठीक रखने के लिए आपको अपनी रिकवरी की स्पीड के हिसाब से इसे लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लगातार इस नुस्खे को लेते रहिए, ये इसे ठीक कर देगा। बच्चों के लिए इसकी 1/4 मात्रा ही यूज करनी चाहिए। साथ ही सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मिर्गी की कोई दवा पहले से ले रहे हैं तो उसे अचानक बंद नहीं करें। किसी भी तरह का नशा नहीं करें, क्योंकि अगर आप नशा करते रहेंगे तो इस नुस्खे का कोई असर नहीं होगा। इस नुस्खे को यूज करने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाए पिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये सेफ होता है, लेकिन फिर भी इसे यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। जिनको ब्रेन ट्यूमर की वजह से मिर्गी है वो भी इसे ले सकते हैं। मिर्गी होने पर स्विमिंग बिल्कुल नहीं करें। मिर्गी होने पर गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है, इसलिए गाड़ी भी नहीं चलाएं। खतरनाक मशीनों पर काम नहीं करें। टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने, हमेशा ढीले ढाले कपड़े ही पहने। गले में किसी भी तरह की कोई चैन नहीं पहने, क्योंकि दौरे के टाइम इससे गला भींच सकता है और सांस बंद हो सकती है। मिर्गी के मरीजों को बहुत देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए कोई भी व्रत आपको नहीं करना चाहिए। देर रात तक नहीं जागें, जल्दी सोएं, अच्छी और भरपूर नींद लें। तनाव से दूर रहने के लिए योग और प्राणायाम जरूर करें। किसी भी तरह का नशा बिल्कुल भी नहीं करें। बस इतना सा करते ही आपकी मिर्गी की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।